हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में 5000 बेडों की व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए प्रदेश के अलग अलग जिलों में व्यवस्थाएं की जा रही है। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने मंडी दौरे के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए कही। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने MCH सुंदरनगर में स्थापित 50 बेडेड कोविड केयर हेल्थ सेंटर का निरीक्षण किया और स्थिति का जायजा लिया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के प्रवेश द्वारा सलापड़ में BBMB स्विच यार्ड में प्रस्तावित डेडिकेटेड कोविड केयर हेल्थ सेंटर बनाने की संभावनाओं को लेकर भी दौरा किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संबंधित प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए तथा आने वाले समय में संक्रमितों को सुविधा देने के लिए अतिशीघ्र कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। इसके तहत नेरचौक मेडिकल कॉलेज को भी डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के तौर पर शुरू कर दिया गया है। प्रदेश में कोविड के मामलों को ध्यान में रखते हुए हम अपने सारे अरेंजमेंट को अपग्रेड करने के लिए प्लान कर रहे हैं। उस दृष्टि से मंडी जिले के अंतर्गत अभी तक हमारी जो बेड कैपेसिटी है वो हमने पहले ही इन्हांस कर दी है, पहले ही हमने उसमें बढ़ा दिया है। और नेरचौक जो हमारा मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज को पूरा डेडिकेट किया है कोविड के लिए। चाहे हिमाचल प्रदेश में हम इस कैपेसिटी को बढ़ा करके, बेड कैपेसिटी को बढ़ा करके लगभग जो है 5000 तक कर सके, ताकि अगर कहीं सर्च नहीं रुकता है, लगातार इसमें बढ़ोतरी होती है, तो हम पेशेंट के लिए बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए अपनी तैयारी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के बॉर्डर पर बढ़ रही सख्ती पर कहा कि प्रदेश में एंट्री करने को लेकर सरकार द्वारा कई बदलाव किए गए हैं। इसके तहत सरकार के द्वारा दो श्रेणियां बनाई गई है, जिसमें प्रदेश के लोग अगर बाहरी राज्य से वापस लौटना चाहते हैं तो उन्हें भी RT-PCR रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। वहीं अगर उनके पास रिपोर्ट मौजूद नहीं है तो उन्हें एहतियातन तौर पर 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके तहत निगरानी को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारी और आंगनवाड़ी वर्कर्स को निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। नियमों की अवहेलना करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। बदलाव में बहुत बड़ी चीजें नहीं है, उसमें यही है कि जो बाहर से लोग हिमाचल प्रदेश में आना चाहते हैं, एक कैटेगरी तो वो है जो हिमाचल के ही रहने वाले हैं, अपने घर आना चाहते हैं, कोई दिल्ली है, कोई मुंबई है, कोई कहीं बाहर दूसरे शहर में है, तो उनको हमने कहा कि आप आइए, लेकिन उसके बावजूद अगर आते वक्त आप RT-PCR टेस्ट करवा करके आएँ तो आपको सुविधाजनक होगा, आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए भी, आप घर में उनके साथ सीधे जा सकते हैं। लेकिन अगर RT-PCR टेस्ट नहीं है, उस सूरत में इस बात को सुनिश्चित करें कि आप घर जाने के साथ साथ तो हम होम आइसोलेशन में चले जाएँ, होम आइसोलेट करें अपने आप को। और होम आइसोलेट करने का मतलब यह है कि आपको परिवार के लोगों के साथ, गाँव के लोगों के साथ नहीं मिलना है, और यही शहर के लोगों के साथ भी हमने उसमें इस व्यवस्था को जोड़ा। इसमें खास तौर से जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं, हमारे पंचायत के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका, उनके साथ हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस करके जो हमने बात की है, एक मैकेनिज्म हम डेवलप कर रहे हैं, जो लोग भी आ रहे हैं तो गांव में मालूम पड़ जाता कौन आया कौन गया यहाँ गाँव में, तो उस दृष्टि से उस सारी चीज़ को बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए उस तरह। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। हाथों पर होते हैं ऐसे कई बैक्टीरिया हल्के गर्म पानी की धार में दोनों हथेलियों को रगड़े थोड़ा सा लिक्विड साबुन लेकर हथेलियों को मले हथेलियों के पीछे और उंगलियों को अच्छे से मले दोनों हथेलियों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करके अच्छे से रगड़ें अंगूठे के आसपास और उंगलियों को अच्छे से मलें नाखूनों को अच्छे से मलकर धोएं अपने हाथों को अब पानी की धार से अच्छी तरह धोएं हाथों को अच्छी तरह से पोंछ कर सुखा लें और नल को भी साफ कर दें
कोरोना की लड़ाई में साथ खड़े हैं हम। लाइफ टाइम्स टीवी द्वारा जनहित में जारी।